आज हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उपस्थित हैं और गाजीपुर जिले में एक ग्राम सभा बसला है। हम आप मौजूद हैं। हमारे बीच में बिरहा जगत के एक बहुत ही धुरंधर कलाकार मणिराम बागी जी उपस्थित हैं और आज हम इनसे कुछ ऐसे गीतों का उल्लेख करेंगे जो आपको सुनाएंगे दर्शकों को। तो इनसे बाकी इन बात हमारे बीच में मणिराम बागी जी उपस्थित हैं और आज हम इनसे पहले गाना सुनते हैं और बाकी परिचय से हम आपको गाना सुनने के बाद करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे गीत सुनेंगे सर? सर आपको जो पसंद हो निर्गुण सुना दीजिए दर्शकों को। बहुत बढ़िया। अरे हर दिना ककनवा छूटल, हर दिना ककनवा छूटल, बाबा के भवनवा हो छूटल। का कहना है यह इंसान जिस दिन यह पांच तत्व शरीर से निकल जाते हैं मायावी दुनिया को छोड़ के चल बसता है। ये शरीरिया के लोग सजा बजा के मऊरा के कफन से बांध के राम नाम सत्य है यही सबकी गति है लेके चलते हैं। लिए कहना है अर दिन कनवा छूटल बाबा के भवनवा हो छूटल। Thank you.
राम नाम सत्या नाम जपिला पार हो जाई तोहर भावले नेवरिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो निर्गुण आपने गाया है जी, तो आप ये जो निर्गुण गाते हैं तो क्या इससे आपका घर का खर्चा पानी जो भी चलता है चल जाता है या क्या कहते हैं? नहीं तो सर, बहुत अजीब सी बात आपने कर दी। मैं विरह लोकगीत गायक कलाकार मणिराम बागी, और कलाकार तो कलाकार होता है सर, और संगीत गीत में कोई गीत ऐसा नहीं है कि इसके गाने से काम न चलने वाला है। निर्गुण गा करके ही, और आपने भरत शर्मा साहब का नाम सुना है जो महारत प्राप्त कर लिए निर्गुण की दुनिया में। निर्गुण गीत को गा करके एक से एक कलाकार अपने आप को, जिनकी गीतें लाखों में चल के और अपना मुकाम छू ली, मतलब निर्गुण गाने वाले कलाकार को कहाँ आप इतना कम आँकते हैं। निर्गुण एक ऐसी चीज़ है कि निर्गुण गाने वाले कलाकार देहात के जितने क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल के जितने गांव हैं, हर गांव में गा के बजा के, और हम ही नहीं बल्कि लाखों कलाकार ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जो गा बजा के अपने सहपाठियों अपने शागिर्दों का खर्च उठाते हैं, उनका परिवार का जीविकोपार्जन होता है और कलाकारों का भी जीविकोपार्जन होता है। तो आपका होता है या नहीं हम दर्शकों को ये बता दीजिए। सर, हम बिरहा लोकगीत गायक कलाकार निर्गुण और बाबा साहब की मिशन गीत से, कीर्तन भजन से, निर्गुण से मैं अपने परिवार को दाल रोटी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये महीने तक अर्जन कर लेता हूँ, जिसमें परिवार का सीमित खर्च चल जाता है। तो आप ये कब से गा रहे हैं बता दीजिए? और लगभग यही सर 2000 के लगभग से हम कार्यक्रम करते हैं, सन 2000 से। कैसे गाने के क्षेत्र में है? तो आप इस गाने के क्षेत्र में कैसे आए? देखिए, गाने का शौक तो मेरा बचपन से रहा है। संगीत में इस क्षेत्र में बहुत पहले हमारे गांव में एक बार कार्यक्रम हुआ था जो बिरहा समाज के शिरोमणि गुरु नंदलाल रवि और गुरु लग्गन घराने से आप बहुत सुंदर गायक कलाकार बिरहा कवि ताज बादशाह श्री राम वृक्ष राम जो सोफीपुर जखनिया गाजीपुर के रहने वाले हैं, दोनों लोगों का कार्यक्रम था। हमारे यहाँ की जनता ने उन लोगों को इतना सम्मान दिया कि हमारे जहन में ये बातें आ गई कि काश हम भी गाते और बजाते और हमको ऐसा प्यार दुलार समाज का मिलता। वहीं जुनून मेरे शरीर में जहन दिमाग में आया और विद्यालय में ही हम कक्षा 6 से बाल सभाओं में गाना शुरू कर दिया और गाते बजाते आज मंच पर धीरे धीरे कोई ऐसा मंच नहीं रहा जिले का प्रदेश का जिस मंच पर हमने गाना नहीं गाया हो, और अपने बिरहा अखाड़े से जितने छोटे बड़े कलाकार हैं सारे लोगों के साथ हमने कार्यक्रम कर लिया धीरे धीरे। दोस्तों, यहाँ तो वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम वीडियो एक समाप्त करते हैं।